ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन पूर्व मध्य रेल के आह्वान पर धनबाद रेल मंडल कार्यालय के बाहर गुरुवार को केंद्रीय कमेटी के पूर्व सचिव की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया, जहां 8 से 10 मुख्य मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन जारी है। पूर्व लोको चालक सह पूर्व केंद्रीय सचिव एसपी साहू ने बताया कि वर्तमान समय में यदि लोको चालक से ट्रेन रोकने के दौरान रेड सिग्नल क्रॉस हो जाता है, उस स्थिति में चालक को नौकरी से हटा दिया जाता है, जिस पर सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही अन्य मांगों को उन्होंने सभी के समक्ष रखा। मुख्य मांगों को लेकर केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे भारत के सभी रेल मंडल कार्यालय के बाहर आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज का जो ये धरना है, सिग्नल पासिंग एट डेंजर स्पैड में किसी ड्राइवर जब सिग्नल को लाल अवस्था में पास कर जाता है किसी भूल बस, तो सीधे उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। हम लोग का मांग है कि उसे नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाए, तो ये कैपिटल पनिशमेंट। दूसरा मुद्दा है इसको रोका जाए, उसको रिमूवल नहीं किया जाए, उसके और भी पनिशमेंट के बहुत तरीके हैं, उसको लागू किया जा सकता है, लेकिन नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाए, क्योंकि उसका बाल बच्चा फैमिली परिवार उसी नौकरी पर डिपेंड है और वो कोई जानबूझ के नहीं करता है। वो इतनी लंबी गाड़ी है जिसका ब्रेकिंग डिस्टेंस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है ट्रेन का, और एक भूल ये होती है कि वो ब्रेकिंग डिस्टेंस का सही अनुमान नहीं लगा पाता है कि कहाँ से हमें ब्रेकिंग एक्चुअल करना चाहिए, और वो जब ब्रेकिंग करता है लेकिन गाड़ी जो है पार होकर के खड़ी हो जाती है। ये कोई छोटा मोटा गाड़ी मोटर व्हीकल की तरह नहीं है कि वो ब्रेक किया और 10 मीटर पर रुक गई गाड़ी, चाहे 10 फीट पर रुक गई गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेन में कम से कम 1000 मीटर की डिस्टेंस चाहिए। दूसरा मांग है कि जो ड्राइवर हमेशा गाड़ी लेकर के बाहर जाता है, रेलवे में एक घिसा पीटा कानून अंग्रेजों के ज़माने से चला रहा है कि 96 आवर और 72 घंटा के बाद आपको वापस घर बुलाया जाएगा। अब बताइए 3 दिन 4 दिन कोई घर छोड़ कर के बाहर रहेगा, उसका फैमिली बाल बच्चा ये सब है। बाद में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा तो रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलेट किया कि 36 घंटा में कम से कम बुला लिया जाए। हम लोग का भी मांग यही है कि 36 घंटा में उसको वापस बुला लिया जाए, लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिकल में यहाँ 1 से 2 रनिंग रूम करवा करके बाहर में 72 घंटा 96 घंटा रखा जाता है। चूँकि बाहर में आउट स्टेशन का रूल है कि 6 घंटा में ही गाड़ी को फिर से दिया जा सकता है, और हेड क्वार्टर में रूल है कि 16 घंटा के बाद गाड़ी दिया जा सकता है, तो वो इसीलिए आउट स्टेशन से ट्रेन काम करवाते हैं कि उनको प्रत्येक 6 घंटा में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन हर ड्यूटी 6-6 घंटा में करना ये सेफ्टी के लिए भी गलत है, और वो घर से अपना बाहर है इसीलिए वो मेंटली फ्री नहीं रहेगा, इसीलिए जो है 36 घंटा में वापस उसको बुलाया जाए। तीसरा चीज़ है कि लॉन्ग आवर ड्यूटी, रेलवे का रूल है कि 9 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी ड्राइवर से नहीं लिया जाए किसी भी परिस्थिति में, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल में देखा जा रहा है कि 12 घंटा 15 घंटा 16 घंटा, और अगर वो नहीं गाड़ी पहुँच पा रही है तो ड्राइवर को छोड़ दिया जा रहा है और सहायक चालक को कहा जा रहा है कि तू इंजन को देखो, उसको रखवाली करो, रक्षा करो, और ड्राइवर को छोड़ दिया जाए। फिर असिस्टेंट ड्राइवर भी तो आदमी है। कोई कितना मांग है आप लोग का? तो इस तरह से हम लोग का मांग 8-10 है, लेकिन ये मूल मांग ये सर मुख्य मांग में है, ये सेफ्टी को लेकर। सभी पायलट हैं, लोको पायलट हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हैं, और सभी लोग धरना पर इसी मांग को लेकर के बैठल हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक DRM ऑफिस के सामने आज ये धरना चल रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है SP साहू, अभी मैं रिटायर्ड हो गया हूँ लोको पायलट से, एक्स लोको पायलट और एक्स सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। ठीक है।